वेलकम टू माई चैनल देसी कुक। आज हम बनाएंगे शीर खुरमा। क्या आपको पता है जो हम ईद पर शीर खुरमा बनाते हैं उसे शीर खुरमा क्यों कहा जाता है? एक्चुअली शीर खुरमा एक पर्शियन वर्ड है। शीर यानी दूध और खुरमा यानी खजूर। जब इन दोनों को मिलाकर खीर बनाते थे तब इसका नाम पड़ा था शीर खुरमा। ईद पर शीर खुरमा बनता है वो बहुत ही फेमस और बहुत ही ट्रेडिशनल है, जो हर बार हम ईद पे बनाते हैं, जिसके बिना ईद अधूरी है। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है किशमिश, काजू और खजूर, पिस्ता और बादाम। किशमिश को छोड़कर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को बॉईल कर इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। और यहाँ पे लिए हैं थोड़े से सेवैयाँ। ये बारीक और भुने हुए सेवैयाँ हैं, रोस्टेड सेवैयाँ। आप रोस्टेड ही यूज़ करें तो तभी शीरखुरमा बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने यहाँ पे लिया है इस तरह का पैक वाला दूध और ये 1 लीटर का है। अगर आप ये वाला दूध लेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा शीर खुरमा, नहीं तो आप चाहें तो पैकेट वाले दूध से भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, अगर आप इससे बनाएंगे तो शीर खुरमा और अच्छा बनेगा। और मैंने लिया है कंडेंस्ड मिल्क, इसको भी हम शीर खुरमे में यूज़ कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा घी डाल लेंगे। घी थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। किशमिश को बाद में डाल लेंगे ताकि ये जले नहीं। इस तरह से 1 से 2 मिनट धीमी आंच पे भून लेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे किशमिश और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे और साइड में रख लेंगे। उसी पैन में हम थोड़ा सा और घी डाल लेंगे, धीमी ही आंच रखेंगे और सेवैयों को डाल देंगे। और सेवैयों को भी हम अच्छे से घी में भून लेंगे। सेवैयों को भी हम धीमी आंच पे ही भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने में और शीर खुरमे में काले काला लगेगा। इस तरह से धीमी आंच पे हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। सेवैयाँ भी अच्छे से भून चुके हैं, ये बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस देख लेंगे। बड़ा खुला बर्तन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे दूध। जो हमने यहाँ पे 1 लीटर वाला पैक लिया है वो सारा दूध इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमको दूध को अच्छे से बॉईल करना है, तब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। हम दूध को अच्छे से 15 से 20 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि अच्छे से गाढ़ा हो जाए। फिर अब हम इसमें डाल देंगे चीनी 1 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और चीनी घुलने तक पका लेंगे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, चलिए अब हम इसमें डाल देंगे सेवैयाँ जो हमने भून लिया था। सेवैयाँ डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कंडेंस्ड मिल्क या मिल्क मेड आप कह लें, इसे हम 1/2 कप डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप कर रहे हैं तो इसकी जगह पे थोड़ी सी चीनी बढ़ा लें। इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट पका लेंगे। अब हम लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, शीर खुरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे बना है। दूध को हमने अच्छे से बॉईल किया था इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है और शीर खुरमा बहुत ही अच्छा बना है। आप जब भी शीर खुरमा बनाएं तो दूध को अच्छे से बॉईल करें और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, जैसे कि ये बना है, तभी इसका टेस्ट अच्छे से आएगा। तो इस ईद आप इस तरह का शीर खुरमा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये शीर खुरमे वाली रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। जल्द ही मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं।